सुबह आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाला है रेडमी 5A के अंदर आपके फुल स्क्रीन गेस्चर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपने मोबाइल के अंदर अनेबल कर सकते हैं। शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो को देखते रहिए, लेकिन आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर मैं बता दूं कि इसमें आपको मतलब कोई भी रूट करने की जरूरत नहीं है, ना TWRP ना बूट अनलॉक, सिंपल सा मेथड है। उसमें काफ़ी पंगे करने पड़ते हैं, लोग करना नहीं चाहते इतना पंगे कि हमें ऑफिशियल चाहिए कि इतने पंगे करने के बाद आपको फुल स्क्रीन गेस्चर मिले। तो सिंपल सा मेथड, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है, आपको प्ले स्टोर पर सर्च मारना पड़ेगा फुल स्क्रीन गेस्चर। फुल स्क्रीन गेस्चर आप सर्च मारेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन गेस्चर, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादा एमबी की नहीं, थोड़े ही दिनों पहले ये ऐप आया है तो काफ़ी अच्छी ऐप है, पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छी है। पहले मैंने ऐप बताए हमें, लेकिन उसके अंदर कोई शैडो वाला एरर था, कई प्रकार से एरर से आते थे, लेकिन ये ऐप काफ़ी अच्छा ऑफिशियल लगता है कि फुल स्क्रीन गेस्चर आप यूज़ कर रहे हैं अपने 5A में। एक बात और बता दूं कि आप सोच रहे हैं फुल स्क्रीन जो ऑफिशियल कब आएगा, ये मत पूछना कमेंट में, क्योंकि इसके अंदर नहीं आने वाला। जिसके अंदर बटन्स होते हैं नीचे, उसके अंदर फुल स्क्रीन गेस्चर नहीं आते, ये एक बात बता दूं। चाहे नोट 4 की बात कर लो, किसी भी डिवाइस के अंदर फुल स्क्रीन गेस्चर आपको देखने को नहीं मिलता, जिसके अंदर बटन्स होते हैं उसमें नहीं देखने को मिलता, जिसमें बटन्स नहीं है उसके अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस रेडमी 5A में आपको बटन मिल जाते हैं तो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा ऑफिशियल, और फ्यूचर में भी शायद तक आपको देखने को ना मिले। तो सिंपली आपको ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा या रूट करना पड़ेगा ऑफिशियल चाहिए तो सिंपली आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे दो परमिशन पूछेगा, परमिशन को ऑन कर दीजिए, ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एजिबिलिटी सर्विस, इससे भी आपको ऑन कर देना। फुल स्क्रीन गेस्चर ऊपर देख सकते हैं, आपको इसे ऑन कर देना और ये कर देना, सिंपली आपको फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर आपका फुल स्क्रीन गेस्चर एजिबिलिटी ऑन नहीं होता तो एक बार अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। रिस्टार्ट करने के बाद कई बार ऐप से नहीं हो पाता एजिबिलिटी ऑन ऐप के थ्रू, तो यहाँ से आपको जाना है एडिशनल सेटिंग और एजिबिलिटी में जाना है। एजिबिलिटी में जाने के बाद फुल स्क्रीन गेस्चर दिखेगा, तो यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है सिंपली। हाँ, ऑन करेंगे तो आपको फुल स्क्रीन गेस्चर वर्क करने लगेगा, आप देख सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, इस ऐप की खासियत बात है, बाकी में तो आपको सेटिंग करनी पड़ती थी, बैक पे क्या रखना है वो क्या रखना है, तो इन्होंने डिफॉल्ट रूप से पहले से एक सेटिंग करके दी है। आपको अच्छी लगती है तो वो कर सकते हैं, उन्हें ऑफ भी कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट रूप से इन्होंने सही किया, कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। फुल स्क्रीन गेस्चर देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे लग रहा है फुल स्क्रीन गेस्चर ऑफिशियल है। देख सकते हैं, कोई भी मैं बटन पर टच नहीं करूँगा, बैक करना है तो ऐसे कर दूंगा जैसे आईफोन में होता है, जैसे आप देख सकते हैं। और मेरे को टास्क मैनेजर खोलना है तो यहाँ से स्लाइड करूँगा, टास्क मैनेजर आ जाएगा, तो ये एक इसमें देख सकते हैं। और आपको प्रीवियस ऐप में जाना है तो इस प्रकार से आप जा सकते हैं, इसे ऊपर के नीचे स्लाइड करेंगे ज़्यादा तो ये हो जाएंगे आपके प्रीवियस ऐप में। तो यही एक ऐप है जिसमें काफ़ी अच्छा फुल स्क्रीन गेस्चर आपको देखने को मिलता है, थोड़े ही दिनों पहले ये आया जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इस ऐप से आप फुल स्क्रीन गेस्चर अपने रेडमी 5A में अनेबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक की कमी मत छोड़ना, लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, टैग करने को बजाय वंदे मातरम।